जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पे, एक भाई हैं हमारे फराद भाई, अगवानी एक्टर हैं, फिल्म वहाँ पे कर चुके हैं, शाहरुख खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं और शाहरुख खान की ही तरह एक्टिंग करते हैं। तो हम एक किसी सिलसिले में यहाँ पे आए थे उनके पास, और जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी तो आई लिटरली क्राई, मुझे रोना आ गया उनकी हालात देख के, उनकी बात सुन के कि किस मुश्किल से वो यहाँ पे आए। साथ में उनके भाई भी हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं मजबूर हो गया उनके साथ एक छोटा सा ये वीडियो बनाने के लिए। और मैं चाहूँगा कि वो दो बातें हमसे कहें ताकि आपको उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो। बहुत अच्छे इंसान हैं फराद भाई, एक मिनट दिएगा अपने प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फराद भाई हैं, फराद भाई क्या कहना चाहेंगे कौम को, ज़रा मुझे प्लीज़ थोड़ा सा बता दें। अरे यार, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, आपको भी मालूम है बहुत परेशान हूँ, बाकी दोस्तों को भी मालूम है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा कोई हेल्प करे, मैं हेल्प मांग रहा हूँ कि ताकि हमारा मुस्तकबिल फिर से बने। यहाँ पर हालत बहुत ख़राब है हमारा, बस यही चाहता हूँ अपने भाइयों से हमारा हेल्प करें। ठीक है यार, मैंने जो यहाँ पे आके देखा फराद भाई के साथ, लिटरली लोग टिकटॉक्स देख के इनका मजाक भी उड़ाते करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यारा इंसान है और डिज़र्व करता है, बहुत अच्छा टैलेंट है। अगर आप मीडिया इंडस्ट्री, जो मेरी इंडस्ट्री है, अगर इनको यूज़ करना चाहें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि कोई फाउंडेशन, कोई NGO फराद भाई की मदद करना चाहें, मुझसे इनका नंबर ले सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं बता सकता कि अभी कहाँ पे हैं, उसी कुछ रीजंस हैं। बहरहाल आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं इनसे आपको मिलवा सकता हूँ, इनकी प्लीज़ हेल्प करिए। बहुत अच्छा टैलेंट है, वेस्ट हो रहा है, इनके साथ 10,000 प्रॉब्लम्स है जो कि यहाँ पे खुल के भी नहीं बता सकते ऑन कैमरा। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, कोई भाई भी इनकी किसी भी तरह की मदद कर सकें, सो प्लीज़ मेरी आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। थैंक यू।